नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सूचना संप्रेषण तकनीकी यानी कि शिक्षा तकनीकी के बारे में चर्चा करेंगे। सूचना संप्रेषण तकनीकी को अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। यह आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड परीक्षा व अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी, सर्वप्रथम शिक्षण मशीन का प्रयोग ओहियो विश्वविद्यालय अमेरिका में सिडनी प्रेसी ने सन 1966 में किया था। इसके पश्चात शिक्षण तकनीकी में प्रोग्राम्ड लर्निंग का प्रयोग स्किनर ने सन 1954 में किया था। यह पद्धति बीएफ स्किनर के द्वारा ही विकसित की गई थी, जो कि बाद में चलकर अभिकर्मित अनुदेशन में और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। सर्वप्रथम शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग ब्रायमोर जोन्स, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, इन्होंने सन 1967 में किया था। भारत में शैक्षिक तकनीकी की शुरुआत, भारतीय अभिकर्मित अनुदेशन संगठन की स्थापना 1966 में की गई थी। इसके पश्चात भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में सन 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन शुरू किया गया था। एनसीईआरटी में शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में सीआईईटी, जिसको कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, यह कार्यरत है। यह विद्यालयों में एजुकेशन टेक्नोलॉजी के विषय में शोध का काम करती है। शैक्षिक तकनीकी से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट गेने की। रॉबर्ट गेने ने कहा है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास, जिससे शैक्षिक प्रणाली परीक्षण व शिक्षण कार्य किया जा सके, वही शैक्षिक तकनीकी है। जीओएम लीथ ने कहा है कि शैक्षिक तकनीकी सीखने व सिखाने की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है, जिसके द्वारा शिक्षण व प्रशिक्षण की प्रक्रिया में सुधार लाया जाता है। जेकॉब ब्लूमर ने कहा है कि शैक्षिक तकनीकी को व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान है। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि शिक्षा तकनीकी शिक्षा पर विज्ञान व तकनीकी के प्रभाव का अध्ययन करती है, साथ ही यह भौतिकी, मनोवैज्ञानिक व इंजीनियरिंग आदि विज्ञानों से सहायता लेती है। यह शिक्षण में नवीन शिक्षण विधियों तथा नव शिक्षण तकनीकों के प्रयोग पर बल देती है, जिसके द्वारा छात्रों को बहुत आसानी से और सरल तरीकों से सिखाया जा सकता है। शिक्षा तकनीकी के द्वारा छात्र स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। शिक्षण तकनीकी की विशेषताएं, शिक्षण तकनीकी भौतिक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के सिद्धांत पर आधारित है। इन दोनों के समन्वय से ही शिक्षण तकनीकी बहुत संभव हो पाई है। शिक्षण तकनीकी में शिक्षण मशीनों का उपयोग किया जाता है तथा शिक्षण मशीनों के उपयोग पर बल दिया जाता है, जिनमें कंप्यूटर, टीवी, रेडियो आदि का प्रयोग है। विज्ञान व तकनीकी के द्वारा ही शिक्षण तकनीकी को आगे ले जाया जा सकता है। शिक्षण तकनीकी तीन पक्षों के अध्ययन पर बल देती है, जिसमें कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक यानी कि मनोगत्यात्मक पक्ष महत्वपूर्ण है। स्मृति और चिंतन स्तर को प्रभावित करने वाली शिक्षण तकनीकी है। यह बच्चों में बहुत प्रभावशाली ढंग से शिक्षण को पहुंचाती है। तकनीकी से संबंध होने के कारण शिक्षण तकनीकी में सामंजस्य बन जाता है। शिक्षण तकनीकी के उद्देश्य, शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, अतः इसका उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना तथा व्यवहारिक रूप से परिभाषित करना भी है। सबसे पहले हम बात करें तो शिक्षण तकनीकी के प्रयोग के पास उनका मूल्यांकन करना आसान रहता है। शिक्षण तकनीकी में ज्ञान का संचय, उसका मूल्यांकन, उसका प्रसार और उनका विकास करना बहुत आसान रहता है। शिक्षा के उद्देश्यों निर्धारण और व्यवहारिक रूप से परिभाषीकरण में भी शिक्षण तकनीकी बहुत महत्वपूर्ण होती है। पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, तत्वों को क्रमबद्ध रूप प्रदान करना शिक्षण तकनीकी के द्वारा बहुत आसान हो जाता है। छठे नंबर पर बात करें तो समग्र रूप से इसका उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना है। इस सुधार के द्वारा छात्रों में स्थायी अधिगम करना है। छात्रों एवं शिक्षकों की व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षण तकनीकी के द्वारा बहुत सरल तरीके से की जा सकती है। शैक्षिक प्रबंध की उन्नत विधियों एवं प्रविधियों का उचित व उपयुक्त प्रयोग करना ही शैक्षिक तकनीकी है। शिक्षण तकनीकी के द्वारा बालक एवं शिक्षक की योग्यता, क्षमता, उनकी व्यक्तिगत गति के अनुसार सीखने में सहायता मिलती है।
शिक्षकों की क्षमताओं और योग्यताओं में वृद्धि भी शिक्षा तकनीकी के द्वारा की जाती है। साथ ही यह शिक्षण प्रक्रिया बहुत वैज्ञानिक होती है क्योंकि इसमें मशीनों का उपयोग है, तो मानवीय गलती की संभावना भी नहीं रहती। शिक्षण तकनीकी के द्वारा स्वतंत्र अध्ययन हेतु भी बहुत अवसर मिलते हैं और शिक्षा को अधिक वैज्ञानिक, वास्तविक और प्रभावशाली एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी शिक्षण तकनीक के द्वारा ही संभव है। शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र। शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में तकाशी साकामोटो ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्होंने शैक्षिक तकनीकी में तीन पहलुओं को शामिल किया है, जिसमें सबसे पहला है अदा, दूसरे नंबर पर इन्होंने प्रदा को लिया है तथा तीसरे नंबर पर इन्होंने प्रक्रिया को लिया है। यानी कि अदा, प्रदा और प्रक्रिया, यह पहलू तकाशी साकामोटो ने दिए हैं। इसके पश्चात मेथिक्स का नाम आता है। मेथिक्स ने शिक्षण व्यूह रचना, शिक्षण पद्धतियों और विधियों की तकनीकों को शैक्षिक तकनीकी कहा है। डेरेक रोन्ट्रा ने शैक्षिक तकनीकी के पांच क्षेत्र बताए हैं, जिसमें अधिगम के लक्ष्य और उद्देश्य, दूसरे नंबर पर अधिगम वातावरण का नियोजन, तीसरे नंबर पर विषय वस्तु की खोज और उसे संचय या संरचित करना, चौथे नंबर पर शिक्षण व्यूह रचनाओं व अधिगम संचार करना तथा पांचवें नंबर पर अधिगम का प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, यानी कि छात्रों ने कहां तक अधिगम किया है इसका मूल्यांकन भी शैक्षिक तकनीकी के द्वारा ही किया जा सकता है। रिचमंड के अनुसार उपयुक्त अधिगम स्थिति शिक्षण प्रशिक्षण के उद्देश्य तथा अनुदेशन के उपयुक्त अर्थ को एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी शिक्षण तकनीक में शामिल किया जाता है। लुम्सडेन और मेथिक्स आदि ने शिक्षण तकनीकी को मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में बांटा है, जिनमें से एक तो आता है कठोर शिल्प उपागम जिसे हार्डवेयर कहते हैं तथा दूसरा आता है कोमल शिल्प शिक्षा तकनीकी जिसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रकाशित साकामोटो के अनुसार शैक्षिक तकनीकी के तीन प्रकार है, जिनमें सबसे पहला शैक्षिक तकनीकी प्रथम, इसके अंदर श्रव्य दृश्य उपकरण आदि आते हैं। इसके बी पार्ट में शैक्षिक व्यवस्था के विनियोग, सूचनाओं का पुनः प्राप्ति और शैक्षिक सामग्री को पुनः प्राप्त करना है। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय के अंदर शैक्षिक और शिक्षण सामग्री द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। इसमें अभिक्रमिक अनुदेशन आता है, स्किनर के द्वारा उसका सिद्धांत दिया गया है। शैक्षिक तकनीकी तृतीय या थर्ड, इसमें मानव अभियांत्रिकी का प्रयोग होता है। श्याम पट, टीवी, टेप रिकॉर्डर आदि के विकास का प्रभाव शिक्षा पर देखा गया है। शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता, सबसे पहले बात करें हम शिक्षक के लिए तो बालक का व्यवहार परिमार्जन यानी बालक के व्यवहार में सुधार करना, शिक्षण उपागम व व्यूह रचना का प्रयोग किस तरह से किया जाए, प्रभावशाली अध्यापन करने के लिए तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, इन सभी के लिए शिक्षक के लिए शैक्षिक तकनीक की जरूरत है। दूसरे नंबर पे आता है सीखने की प्रभावपूर्ण विधि व सिद्धांतों का ज्ञान, प्रेरणा प्रदान करना आदि। और तीसरे नंबर पर आता है समाज में जनसाधारण के ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक पक्षों का विकास, जिसमें टीवी, कंप्यूटर आदि तकनीक के माध्यम से बहुत आसानी से इनका ज्ञान दिया जा सकता है। शैक्षिक तकनीकी की सीमाएं। शैक्षिक तकनीकी की बहुत सारी विशेषताओं के साथ ही इसकी कुछ निश्चित सीमाएं हैं, जिनमें ज्ञानात्मक पक्ष के विकास में योगदान देती है, लेकिन भावात्मक और संवेगात्मक क्षेत्र में शिक्षा तकनीकी का कोई विकास या कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, क्योंकि मानवीय पक्ष संवेगात्मक और भावात्मक क्रियाविधि को भी देख पाता है, जिससे छात्र क्या सीख रहे हैं, किस प्रकार वह क्रिया कर रहे हैं, संवेग उनके वश में है या नहीं है, या कब बालक क्रोध कर रहा है, कब बालक प्रसन्न है आदि क्रियाओं का मशीनें कोई ध्यान नहीं रख पाती है। इसलिए शैक्षिक तकनीकी में भावात्मक और संवेगात्मक क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं दे सकते। दूसरे नंबर पर है प्रयोग के लिए संसाधनों की अत्यधिक आवश्यकता होती है, इसलिए गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए शैक्षिक तकनीकी निश्चित ही मात्रा में पहुंच पाती है या न के बराबर पहुंचती है। इसके अलावा शैक्षिक तकनीकी में मशीनों का प्रयोग होने से शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही जो छात्र शुरुआती दिनों में विद्यालय जाते हैं उनके लिए भी इसका प्रयोग करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए छात्रों को भी इसका प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षण देना पड़ता है। साथ ही यह पूरी एक यांत्रिक क्रिया हो जाती है, जिसके द्वारा केवल मशीनों से ही बच्चों का संबंध होता है और वह समाज में स्थापित होने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। धन्यवाद।